हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़्मा किचन्स। आज हम बना रहे हैं मछली और आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मछली ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को काट लिया है। यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है। तेल गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। तेल लिया था मैंने भगोने में और उस टाइम पे थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था, जब तेल जब डालते हुए मैं नहीं दिखा पाई, तो मैंने भगोने में तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद मैंने जो प्याज काटी थी वो डाल दी इसके अंदर। अब प्याज को थोड़ा पकने देंगे तेल में। तो तेल में जो है प्याज पक गई है, कलर ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा चला देंगे इसको और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1 चम्मच पूरा भर के लाल मिर्च पाउडर ले लिया है मैंने और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया मैंने और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो पाउडर मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको चला देती हूँ। मैंने सारे पाउडर मसाले तेल में इसलिए ऐड कर दिए हैं क्योंकि जब तेल में आप डायरेक्टली पाउडर मसाले ऐड करते हैं ना, तो उससे कलर जो होता है ना बहुत बढ़िया आता है। कभी भी आप सालन बनाएं किसी भी चीज़ का और इस तरीके से बनाएंगे बहुत बढ़िया लगेगा। 2 चम्मच मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 चम्मच डाला लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने और अब मैं इसको चला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चला दिया है और सभी मसालों को यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आ गया है। तो बस इसीलिए मैंने तेल में डाले थे सारे पाउडर मसाले। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इसको पका रही हूँ। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं चला देती हूँ इसको। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए, टमाटरों को हमें इतना पका लेना है कि ग्रेवी में बिल्कुल ऐड हो जाए। और मैं यहाँ पे आलू भी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे करीब 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको छील के काट के धो लिया था और मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर ग्रेवी के अंदर। तो आलू को मैंने इसलिए डाला है पहले क्योंकि हमें आलू को थोड़ा गला लेना है। तो मछली तो इतनी वो नहीं होती है, वो फ़ौरन 1-2 मिनट में ही गल जाती हैं, लेकिन आलू गलना थोड़ा टाइम लगता है। तो हमेशा आलू को पहले ही डालें जब भी मछली और आलू बनाएं। और आलू को हमें अच्छे से गला लेना है, उसके बाद ही मछली के पीस इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ हम आलू गला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट में मैंने आलू गलाए हैं और मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1 गिलास पानी। मैंने पानी इसलिए ऐड कर दिया, वो पानी इसके अंदर बहुत कम हो गया था और आलू जो है यहाँ पर गल गए हैं लेकिन पानी बहुत कम हो गया था। तो 1 गिलास पानी डाल दिया है और मैं थोड़ा इसको और गला रही हूँ। थोड़े से आलू कर्रे लगे थे मुझे, तो मैंने 2 मिनट तक इसको और गलाया है। और यहाँ पे जब आलू चेक करें तो आलू यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। तो आलू यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसमें जो है मछली के पीस ऐड करेंगे। तो मछली के पीस हम जब ऐड करेंगे जब आलू यहाँ पे हमारे अच्छे से गले होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम मछली के पीस ऐड कर देते हैं। मछली को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था पहले और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो मछली के हम सारे पीस यहाँ ऐड कर देंगे और इसमें ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मछली जो होती है बहुत ही कम टाइम में गल जाती है, तो इसको अलग से देर तक गलाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने पहले आलू को अच्छे से गला लिया था। तो मैंने मछली के पीस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको थोड़ा चला देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो मछली में अच्छे से मिक्स हो जाए, जो मसाले हैं। तो मैं इसको चला देती हूँ और चलाने के बाद हम इसको थोड़ा पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आलू और ग्रेवी के साथ में जो मछली के पीस हैं वो पक रहे हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है। तो 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे मसालों के साथ में। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हमने मछली के पीस को पकाया है मसालों में और अब मैंने यहाँ पे करीब 1.5 गिलास भर के पूरा पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं चला देती हूँ, ये देखिए। क्योंकि हमें हल्की सी ग्रेवी भी रखनी है, बहुत सूखे सूखा लग रहा था, तो मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है और हम इसको पकाएँगे। यहाँ पर हम इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पे। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखा है और यहाँ पे पक रहे हैं मछली और आलू। मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें
और अब मैं इसको फिर चला देती हूँ एक बार। तो यहाँ मैंने फिर से चला दिया इसको एक बार हरी मिर्ची डालने के बाद। हरी मिर्ची हम बिल्कुल एंड में इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हरी मिर्चों का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आए। तो बस यहाँ हमारे मछली आलू बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। 2 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है और मैं अब डाल रही हूँ धनिया के पत्ते। तो यहाँ पे जो है आलू भी अच्छे से गल चुके हैं, मछली भी अच्छे से गल चुकी है, बहुत बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो मैं इसको चला देती हूँ और बहुत ही बढ़िया मछली आलू बनके तैयार हुए हैं हमारे। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कि चावल के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसको हम सर्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें रेसिपी। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।